नमस्कार दोस्तों, कल हमने अपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को ख़त्म किया था, लेकिन आज मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। अब देखो, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये पटवार प्री में आया था, जो पिछली बार जो 2015 में हुई थी उसमें। ये क्वेश्चन लिख लिख के मैंने इसलिए छोड़ दें कि एक बार आप करके देखो, अगर नहीं होंगे तो फिर हम इन पे अभी चर्चा करेंगे। तो एक बार आप करके देखें। पहला बड़ा क्वेश्चन है, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है तो ब्याज की दर क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने कर लिया था एक्सरसाइज में। दूसरा बड़ा क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है तो इस धन पे इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा। देखिए, तीसरा वाला क्वेश्चन, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3840 रुपये है तो 3 वर्ष का मिश्र धन 4096 रुपये है तो ब्याज की दर क्या होगी। ये तीनों क्वेश्चन पटवार प्री में आए हुए हैं। इसके अलावा पटवार मेंस में जो पिछली बार क्वेश्चन आए थे इस एक्सरसाइज से, वो देखो। पांचवा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करने पर उधार लिए, 2.5 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। ठीक है जी। छठवां क्वेश्चन देखो, एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज दर 13% वार्षिक में 0.5% की गिरावट आने पर उसकी वार्षिक आमदनी में 104 रुपये की कमी हो जाती है तो उधार दी गई पूंजी बताइए। अब देखो जी, नीचे एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, ये ITBP हेड कांस्टेबल में आया था पिछली बार। रीना ने साधारण ब्याज पे 1200 रुपये का ऋण ब्याज दर के समान वर्षों के लिए लिया, यदि उसने 432 रुपये ब्याज चुकाया तो दर क्या है। नमस्कार दोस्तों, देखो जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिए थे, आशा करता हूँ आपने सभी ने कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो चलो हम इनको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले वाला प्रश्न है अपने पास, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है तो ब्याज की दर बताइए। अब देखो, मैंने पहले भी एक प्रश्न ऐसा किया था जहाँ पे का दे रखा है, इससे पहले जो है ये नीचे वाली संख्या की तरफ लिख के आएंगे निशान, और जो ऊपर है उसको पीछे वाली संख्या के पास। तो अपने पास क्या आ गया, ब्याज क्या है अपने पास 1 और मूलधन अपने पास 5। अब देखो, दर पूछी है अपने से, दर का फॉर्मूला क्या है अपने पास। देखो, फॉर्मूला ब्याज का सीधा सीधा है, PRT/100। अपने को पूछा है दर पूछा है तो ब्याज गुणा 100/PT, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में समय। देखिए जी, ब्याज अपने पास क्या है 1 × 100, मूलधन अपने पास है 5 × समय दे रखा है 4 वर्ष, तो 5 से काटेंगे 20 आया, 4 से काटेंगे 5 आया, तो दर अपने पास कितनी आ गई 5%। ये पटवार प्री में आया था एक क्वेश्चन जी। आगे चलते हैं अपन। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, इस धन पर इसी दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा। अब देखो, एक तरफ तो अपन निकालेंगे सरल ब्याज और एक तरफ निकालेंगे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो जी, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो पी अपने को पता नहीं है, ऐसा ही अपने को दे रखा है। अपने पास फॉर्मूला है 1/R/100 (t-p). अब देखो, SI कितना है अपने पास 420, P मूलधन कितना है पता नहीं, P को यहाँ से ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या आएगा, 1+R की जगह R का मान रखेंगे, 1+10/100 घात में कितना 2, -P यहाँ कॉमन ले लिया आ गया क्या 1। अब इसे जैसे सोल्व कर लेंगे, P 100 × 100, ठीक है जी, 1 का भाग 100 में दिया तो 100 × 100, 100+10 110, 110/100 हो गया,
अब देखिए यहाँ पे साइड में एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 110 बटे में 100, 10 से 10 काटेंगे क्या बचेगा, 11 बटे 10 गुणा में 11 बटे 10, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 11 बटे 10 बटे 11 बटे 10 हो जाएगा, 121 बटे में 100 माइनस 1 आ गया अपने पास। सोल्व किया तो इसको, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 100 लघुत्तम 100 माइनस हो जाएगा इसमें से, पी 121 माइनस 100 तो 21 बटे में 100, 420 इज इक्वल टू, अब पी का मान अपने को ज्ञात करना है तो ये जो संख्या गुणा में ही इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी, यानी ये पलट के लिखी जाएगी, 21 से काटेंगे 21 दूनी 42 20 और ये आ गया अपने पास 2000 रुपये। देखिए जी दोबारा देखिए, एक बार अपने को ऐसा ही निकालना है, ऐसा का फॉर्मूला है पी इंटू 1 + r / 100 पावर में टी माइनस में पी, ऐसा ही अपने पास 420 है, पी इंटू 1 + r की जगह रखा 10/100^2 माइनस में 1 कैसे आ गया, पी यहाँ पे बाहर अपन ने कॉमन ले लिया, बड़ा कोष्टक के बाहर पी कॉमन ले लिया ना, तो इस वाली संख्या में पी कॉमन लिया तो ये वाली बच गई, इस वाली में पी कॉमन लिया तो 1 बच गया। अब इस कोष्टक को मैंने साइड में हल करके आपको दिखाया है, क्या आएगा 110/100 × 110/100, 10 से 10 बचेगा क्या, 11/10 × 11/10 तो 121/100 हो जाएगा माइनस में 1, इसको सोल्व कर लिया सीधा डायरेक्ट तो 21/100 आ गया पी गुणा 21/100, तो पी बराबर क्या आ गया, ये गुणा में है पी के साथ, इसको इधर भेजेंगे किस में आएगा भाग में, तो 420/21 उसके नीचे बटे में 100 आएगा, इसको ऊपर भेज देंगे गुणा का निशान और 100, तो ये आ गया अपने पास 2000। अब सरल ब्याज अपने को निकालना है, मूलधन अपने को पता है, मूलधन क्या है 2000 रुपये, दर क्या है 10% की, समान दर लिख रखना इसी दर पे, और इसी दर क्या है पहले वाली 10%, टाइम है 3 वर्ष बटे में 100, 20 से 20 काट दी, 3 2 कितना आ गया 6 और 20 तो 20, 600 रुपये क्या आ गया अपना उत्तर। ठीक है जी आगे चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पे, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 3840 रुपये और 3 वर्ष का मिश्र धन 4096 है तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल हो जाता है, यहाँ पे अपने को फॉर्मूला क्या याद रखना है, जो मिश्र धन दे रखा है A2 इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे A1, तो A2/A1 इसकी पावर में 1/(n2 -n1, n2 है ये दूसरा वाला समय, n1 है पहले वाला समय, माइनस में 1 और गुणा में 100। अपने पास फॉर्मूला है दर निकालने का, जब दोनों मिश्र धन दे रखे हों तो दर कैसे निकालेंगे, अपन दर निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, A2/A1 पावर में 1/(n2 - n1) माइनस में 1 गुणा में 100। अब देखो जी A2 अपने पास क्या है 4096/3840 1/(2). n2 क्या है 3, पहले वाला क्या है 2 माइनस में 1 और गुणा में अपने पास है 100। ठीक है जी अब देखो 3 - 2 कितना होगा 1/1 का मतलब कोई मतलब नहीं है। अब नीचे देखो 3840 ले लिया लघुत्तम, ये संख्या बची माइनस 1, तो 4096 - 3840 और गुणा में 100। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं, देखो 4096 में 3840 गए तो कितने बचेंगे अपने पास 256/3840 गुणा में क्या आ गया 100। 10 से काटेंगे 10, अब देखो इसको कौन से पाड़े से काटेंगे, अपन जैसे काटते हैं 4 के पाड़े से काटते हैं दोनों को, 4 9 36 और 4 6 24, 4 6 24 और 4 4 16, फिर 4 कैसे काटेंगे 4 1 4, 4 6 24, 4 2 8, 4 6 16, अब किस पाड़े से काटेंगे 4 4 16,
4 6 24, आप 2 के पड़े से काट देंगे। अपने पास उत्तर ऊपर क्या आ गया, 2 × 10 यानी 20/3, 6 सही 2/3 प्रतिशत ब्याज की दर आ गई, 6 सही 2/3 प्रतिशत। ये सब आप अपने हाथ से करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, पटवार मेंस में क्या आया था, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धन राशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। हाँ जी देखिए, आपने को क्वेश्चन क्या दे रखा था कि कितने किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई धनराशि 4 गुनी हो जाएगी, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो अपने को दर पूछ रहा है, ब्याज अपने को निकालेंगे, देखो मूलधन अब कह रहा है 4 गुनी हो जाएगी, तो मान लो क्या मानेंगे यहाँ पे, देखिए मूलधन अपन मान लेंगे क्या है अपना x, ब्याज है 3x, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 4x, 3x और x मिल के कितना हो जाएगा 4x। तो अपने को यही तो कह रहा है भाई, दर बताइए जब 2 वर्ष में और ये जो अपना मूलधन है ये कितना हो गया 4 गुना। तो अपना सीधा यहाँ पे मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपन में 100 घात में टी, ए क्या है अपने पास 4x, पी अपने पास है x, 1 प्लस आर अपने को ज्ञात करनी है, इस समय अपने पास है 2। अब देखो इस x को इधर भेजेंगे, किस में आ जाएगा बटे में, गुणा में है ना, यहाँ पे इधर आएगा तो आ जाएगा बटे में, और 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2, x कट गया। अब इधर देखो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 ही तो रहेगा, 1 प्लस आर बटे 100 का स्क्वायर। अब देखो घाते समान है, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो बेस क्या हो जाएंगे बराबर 1 प्लस आर अपन में 100। अब यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, या तो इस सीधा इस एक को इधर भेज दो तो 2 - 1 हो जाएगा आर बटे 100, 2 - 1 यानी 1 बराबर आर बटे 100, और आर अब वज्र गुणा कर देंगे इसका तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 100%। ठीक है जी, अब अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन पटवार मेंस में जो आया था, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए, 2.5 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। अब सीधा यहाँ पे देखो अपने को करना क्या है, कितने रुपए वापस मिलेंगे, अपने को सीधा मिश्र धन इसने पूछा है, मूलधन अपने को दे रखा है 10,000 रुपये गुणा, अब यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से 1 + r/100 ये नहीं लिखूँगा मैं, सीधा लिखूँगा कितना 10% है तो 110/100 गुणा 110/100 कितने वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए मैंने लिख दिया, अब मेरे पास बचा आधा वर्ष, आधा वर्ष के लिए मैंने क्या कर दिया, दर को कर दिया आधी, 5% कर दिया, तो गुणा 105/100 सीधा लिख दिया मैंने। देखिए 2.5 वर्ष पूछा है अपन ने, 2.5 वर्ष का कोई क्वेश्चन शायद किया नहीं होगा, तो 2.5 वर्ष पूछा है तो पहले 2 वर्ष का निकालेंगे 10%, 110/100, 110/100, अब आधा वर्ष पूछा है तो दर को क्या कर देंगे आधी, तो 105/100। अब देखो काटेंगे 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0, अपने पास आ गया 121 × 105। अब 121 को अपन गुणा करेंगे 105 से तो क्या आएगा अपने पास मान, यहाँ पे अपन करके देख लेते हैं, 5 अपने पास उत्तर आ गया 12,705 रुपये। ठीक है जी, अब अपने पास क्वेश्चन है
छठवां, एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज दर 13% वार्षिक में 0.5% की गिरावट आने पर उसकी वार्षिक आमदनी में 104 रुपये की कमी हो जाती है, तो उधार दी गई पूंजी बताइए। अब देखो ये कैसे निकालेंगे उधार दी गई पूंजी। आप देखो ब्याज में जो अंतर है यानी जो कमी आई है उसको करेंगे अपन यहाँ पे 100 से गुणा, बटे में अपन क्या करेंगे जो दर में अंतर आया है, दर में जो अंतर है वो दर का अंतर गुणा में क्या करेंगे समय। अब देखिए अपने पास ब्याज में अंतर कितना है, 104 गुणा में 100 बटे में दर में अंतर क्या आया 13 में 0.5% की गिरावट आ गई, 13 माइनस में 25 बटे में 2 लिख सकता हूँ, 0.5% की गिरावट यानी 12.5%, 13.0, 0.5 घटाएंगे, देखो 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचा 2, 12.5% ही बचा ना, 12.5% को अपन क्या लिख सकते हैं 25/2 भिन्न के रूप में। 25/2 क्यों लिखेंगे, जैसे देखो 2 25 में 2 का भाग दिया तो 12.5 ही आएगा। अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए ये कर लिया। समय क्या है अपने पास 1 वर्ष, बात खत्म। अब देखो इसको हल करेंगे यहाँ से, तो 2 लघुत्तम 2 और 1 का भाग 2 में दिया तो 2, 13 गुणा 2 26, 26 माइनस 25 यानी 1, 1/2 बच जाएगा यहाँ से, 104 गुणा 100 बटे में 1/2। अब बटे के नीचे बटे आ रहा है तो इसको क्या करेंगे गुणा का निशान लगाएंगे और इस संख्या को पलट के लिख देंगे 2/1, तो बटे में 1 का कोई मतलब ही नहीं होता। अब देखो इसको गुणा करके आपस में लिख देंगे, वो ही अपना आ जाएगा क्या उत्तर, 20,800 रुपये उत्तर। ठीक है जी, अब देखिए अपने पास लास्ट क्वेश्चन क्या है जो आईटीबीपी में आया था। रीना ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण ब्याज दर के समान वर्षों के लिए दिया, यदि उसने 432 रुपये ब्याज चुकाया तो दर क्या होगी। अब देखिए नीचे जगह नहीं है, अपन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, यहीं पे कर लेते हैं। अपने पास क्या है मूलधन क्या है 1200, ब्याज अपने पास है 432 और दर और समय क्या कह रही है बराबर है। तो देखो ब्याज का फॉर्मूला 432 इज इक्वल टू मूलधन गुणा समय और गुणा दर, दोनों को क्या लिख लिया समय और दर को कर दिया बराबर, बटे में क्या कर दिया 100। अब इस संख्या को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगी गुणा का निशान और इसको पलट के लिख देंगे 1200 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 2 जीरो से 2 जीरो काटें, 12 के पहाड़े से काटेंगे तो 12 3 36 बच गया कितना 7 72 हो गए और 12 6 72 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास आर बराबर में 6%। यह आ गया अपना उत्तर। इस प्रकार से अपन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।